गौ मथुरा वाले अपना टाइम वेस्ट गलत जगह पे कर रहे हैं। गाय कट रहा है वैक्सीन के लिए, उसका कोई विरोध नहीं। इतना मास लेवल पे गाय का किलिंग चालू है, कोई विरोध नहीं। सिर्फ गौ मथुरा का बात आती है तभी इनका गाय भक्ति जाग जाता है। देर इज सम मेडिसिनल यूज ऑफ गौमूत्र, यू कैन क्लियरली नोटिस, क्योंकि जानवर का जब हेल्थ इशू होता है तभी वो दूसरे जानवर की टट्टी खाता है। सो देर आर सम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। एक जब जेनेटिक इंजीनियरिंग, बैक्टीरियल इंजीनियरिंग चल रहा था तभी मैं उसके वीडियोस देख रहा था, तभी एक का पेट हमेशा खराब रहता था। तो उसने जिसका पेट अच्छा रहता है उसकी टट्टी कैप्सूल में भर के खाई, तभी से उसका पेट ठीक हो गया। तो देर इज सम सिग्निफिकेंट यूज ऑफ बैक्टीरिया, मतलब उसमें कुछ खाना पचाने वाला बैक्टीरिया रहता है, जो बहुत सारे लोगों दवाई खाने के कारण, एंटीबायोटिक खाने के कारण उनका गट बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होता है, तो तभी उसमें यूज होता है। सो देर इज एक्चुअल यूज, इट्स नॉट फेक साइंस। गौमूत्र इज नॉट फेक साइंस, क्योंकि एक्चुअल यूज है और काफी सालों से उसका यूज है। सिर्फ वो डिसगस्टिंग लगता है बट एक्चुअल यूज है, ना सिर्फ गाय का, किसी का भी, भैंस का भी सेम फंक्शनैलिटी रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा रिलीजन से जुड़ा हुआ है तो ऐसा भेदभाव चल रहा है, तो उसका यूज है। एक नंबर दो नंबर का हेल्थ के लिए जानवर का दवाई वही है, जब जानवर का तबीयत खराब होता है तो जानवर वही खाता है और फिक्स हो जाता है। सो देर आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैपनिंग, लाइक देश का नेशनलिस्टिक नेता, देशभक्त गोरे लोग का, उसको बहुत अच्छा लगता है गोरे लोग बोलते, वही ये बोलता है, गोरे लोग बोलेगा नाच तो ये नाचता है, मोती है गोरे लोग का, देश का नेशनलिस्टिक, क्या बोलते हैं उसको, एक देशभक्त जो देश चला रहा है, गोरे लोग उसको बोलते हैं वाह वाह वाह, तो मोती छू बोला कि वाह 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 करने आता है। तो दीज आर इम्पोर्टेंट इश्यूज, नॉट और अभी एक्चुअली ये लोग दिमाग से खेल रहे हैं। श्रीलंका में जो भाव बढ़ा है वो इंडिया में जो भाव बढ़ा है उससे कम है, लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है कि श्रीलंका बर्बाद हो गया, दंगा चालू है। इंडिया के कुछ यूट्यूबर श्रीलंका में गए हालात चेक करने के लिए, कोलंबो में, विच सिटी मीन्स एक्सपेंसिव, उधर इंडिया से सस्ता है। तो क्राइसिस बढ़ा चढ़ा के दिखाए जा रहे हैं, ये लोग मेल मन दिमाग से खेल रहे हैं, डर का माहौल बनाए रखना है इनको, और इसीलिए फेक न्यूज के जरिए डर का माहौल बनाए रखेंगे। अभी कोयले का शॉर्टेज तो कुछ नहीं है, तो लेकिन ये लोग कोयले का गेम खेल रहे हैं, शायद डेटा माइनिंग करते रहेंगे तो अपन मीडिया में शेयर करेंगे, ऐसा वैसा करेंगे, तो कुछ दिन एक्चुअल में लोड शेडिंग करेंगे ताकि लोग भड़के और सोशल मीडिया में पोस्टिंग करें डेटा माइनिंग के लिए। कर तो जानबूझ के रहे, ऐसा कुछ क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस इंजीनियर किया जा रहा है, फॉर व्हाट रीजन, दैट इज द क्वेश्चन। कुछ कमी नहीं है, फिर भी कमी है, स्केयरसिटी है, फूड शॉर्टेज है, कोयला गायब है, तेल महंगा है क्योंकि रशिया में वॉर चल रहा है, और दल्ले ने डिस्काउंट में रशिया से तेल लिया है तो डिस्काउंट इधर पास नहीं करेगा क्या। तो क्राइसिस मेजरली न्यूज से मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। अभी एक्चुअल में लोड शेडिंग होगा कि नहीं वो भी डाउटफुल है, और लोड शेडिंग करते रहेंगे जब तक लोग इसका विरोध नहीं करते, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट पुशिंग टू द पॉइंट कि लोग कब विरोध करते हैं। ये सब डेटा माइनिंग का भी इसमें कुछ एजेंडा है, कि डेटा माइनिंग का भी एक, क्योंकि उनको मालूम है लोग भड़केंगे और लोगों को जानबूझ के भड़काया जा रहा है, इससे कुछ डेटा माइनिंग कर रहे हैं ये लोग, और उसके पीछे कुछ
बाद में रूल्स पॉलिसीज बनाएंगे, क्योंकि जो ये लोग मीडिया के जरिए डर का माहौल बना रहे हैं उतना एक्चुअल में नहीं है। लेकिन अपन इनकी घटिया न्यूज़ देख के अपन अपसेट हो जाते हैं कि ये लोग ने ऐसा किया, मतलब ये लोग ऐसे करने जा, ऐसे करने भी जा रहे हैं वो भी है, लेकिन थोड़ा पहला बताएंगे थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे कोई विरोध नहीं हो रहा है, फिर सब लागू कर देंगे।